नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। गुजराती गीतकार की पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत, हत्या का आरोप, धंबोला थाना क्षेत्र के भचड़िया गांव का है मामला। विधानसभा में बरसे वागड़ के रोत, कहा कि चुनाव होने वाले थे इसलिए हमारे नेताओं ने ही युवाओं का काकरी डूंगरी पर चढ़ाया ताकि बड़े वोट बैंक। अतिक्रमण की शिकायत जांची तो सही पाई, अब अवैध दुकानें होंगी ध्वस्त। पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा ने किया 5,11,000 रुपए का निधि समर्पण। और लोहारवाड़ा में 204 साल पुराने शीतला माता मंदिर का दूसरा पाटोत्सव आज। और अब खबरें विस्तार से। भचड़िया गांव में ख्यातनाम गुजराती गीतों के गीतकार की पत्नी संदिग्ध अवस्था में मौत होने से मामला गर्मा गया। पीहर पक्ष ने बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस की ओर से समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस की तरफ से मामले की जांच की जा रही है। बाकड़ा निवासी वर्षा का विवाह भचड़िया गांव में मांडवा फला निवासी बाबूलाल पुत्र पूंजा के साथ 6 वर्ष पहले हुआ। ससुराल पक्ष की ओर से गुरुवार शाम 7 बजे वर्षा के फंदे पर लटके मिलने की बात पीहर पक्ष को बताई। इस पर पीहर पक्ष के लोग भचड़िया पहुंचे, पास में ही गैस का सिलेंडर देखा। परिजनों का कहना है कि उस कमरे में रसोई नहीं थी, ऐसे में सिलेंडर वहां होने से पीहर पक्ष ने शंका जताई है। पीहर पक्ष के लोग भचड़िया पहुंचते, इससे पूर्व बीती शाम को मृतका के ससुराल पक्ष के लोग वर्षा को पीठ अस्पताल ले गए। यहां से डॉक्टरों ने सिमलवाड़ा रेफर कर दिया। यहां पहुंचने से पहले वर्षा की मौत हो चुकी थी। इस पर शव को सिमलवाड़ा सीएचसी की मॉर्चरी में ही रखवाया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर में दोनों पक्षों के करीब 100 से 150 लोग पहुंच गए, जहां पर पीहर पक्ष ने वर्षा की हत्या करने का आरोप लगाया। इस बीच दोनों पक्षों के बीच में काफी तनातनी भी कुछ समय के लिए रही। समझाइश के बाद पोस्टमार्टम हुआ। इस बीच सिमलवाड़ा मॉर्चरी के बाहर भूमि विकास बैंक पूर्व चेयरमैन गट्टू सिंह डामोर, बाकड़ा सरपंच मणिलाल डामोर, जवाहरलाल लबाना, मनोहर लबाना, पूर्व उप प्रधान मुकेश लबाना सहित दोनों पक्षों के सैकड़ों परिजन व ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिमलवाड़ा डीएसपी रामेश्वरलाल, धंबोला थानाधिकारी दलपत सिंह राठौर, सिमलवाड़ा चौकी प्रभारी एएसआई रंजीत सिंह मैजाप्ता मौजूद रहे। पीहर पक्ष के लोगों ने बताया कि वर्षा के साथ दहेज की बात को लेकर बाबूलाल मारपीट करता रहता था। संबंध नहीं बिगाड़ने की वजह से पीहर पक्ष के लोग वर्षा को वापस ससुराल भेज देते। बाबूलाल गुजराती गीतकार होने से घर में हमेशा बाहर ही रहता है। वर्षा अपना खर्चा मजदूरी कर चलाती थी। 10 फरवरी को वर्षा ने फोन पर मारपीट की शिकायत की थी, इसके बाद बातचीत नहीं हुई। 11 फरवरी को शाम 4 से 5 बजे के बीच बाबूलाल ने फोन पर बताया कि वर्षा ने फांसी लगा ली है। पीहर पक्ष का कहना है कि वर्षा का पति बाबूलाल हमेशा पैसे की मांग करता रहता था। आरोप लगाया कि दहेज नहीं देने के कारण वर्षा की हत्या की है। मृतका के पिता बाकड़ा निवासी प्रताप डामोर ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। मृतका की 2 संतान है। पीहर पक्ष के लोगों का कहना है कि जिस जगह पर फांसी खाई थी वह जमीन से 4 फीट की ऊंचाई पर ही है। फांसी खाई होती तो पैर जमीन पर लटक जाते। पीहर पक्ष को ससुराल पक्ष की ओर से बताई गई घटना पर विश्वास नहीं हो रहा है। दरअसल मृतका वर्षा का पति बाबूलाल गुजराती गीतकार होने के साथ सोशल मीडिया पर काफी हिट है। करीब 68,000 से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं, वहीं 1 करोड़ से अधिक की व्यूअरशिप हो चुकी है। बाबूलाल गुजराती गीतकार होने से घर से हमेशा बाहर रहता है। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होते हैं। इनको देखने वालों की संख्या भी अधिक है। विधानसभा में शुक्रवार को रोत ने डूंगरपुर की कांकरी डूंगरी घटना को राजनीति की ही उपज बताते हुए सिस्टम पर ही सवाल खड़े किए। 84 विधायक राजकुमार रोत ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मुद्दे प्रभावी तौर पर उठाए। साथ ही कुशलगढ़ क्षेत्र में 1 माह के भीतर हुए 2 बड़े हादसों के जरिए पलायन बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। रोत ने कहा कि डूंगरपुर में कांकरी डूंगरी घटना हुई, प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यवाही कर दी, सरकार ने विपक्ष ने भी दाव खेले, लेकिन क्या कारण रहा कि वो घटना हुई? यह भर्ती से जुड़ा मामला था। 1167 पद खाली रह गए थे, उन्हें लेकर लड़के कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने एसटी के छात्रों से सीटें भरने का आदेश दिया, लेकिन दूसरा पक्ष डीबी में गया और वहां हार हो गई। फिर यही लड़के सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन हमारी जो गंदी राजनीति चल रही है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमारे नेताओं ने इन्हें कांकरी डूंगरी पर चढ़ाया। वो इसलिए कि जनवरी फरवरी में पंचायती राज के चुनाव होने वाले थे ताकि युवा आकर्षित हों, वोट बैंक बढ़े, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी कि उस साल चुनाव हुए ही नहीं। सितंबर 2020 में फिर कांकरी डूंगरी पर चढ़े, 18 दिन तक बैठे रहे। पुलिस द्वारा जबरन उतारने का प्रयास किया गया, लड़कों के साथ मारपीट हुई। 24 सितंबर को मीटिंग में इस मामले के संबंध में निर्णय होना था, लेकिन मीटिंग कैंसिल हो गई। फिर कुछ लड़के रोड पर उतर आए, जो उन्होंने गलत किया। क्या इस देश में पहले कभी आंदोलन नहीं हुए? कोई सड़कों पर नहीं आया? चलो माना उन्होंने गलत किया, जाम होते ही लाठीचार्ज कर दिया, फायरिंग की, लेकिन उन लड़कों को हमारे सिस्टम ने ही 18 दिन तक कांकरी डूंगरी पर बिठाया। राजकुमार रोत ने कुशलगढ़ क्षेत्र में 1 माह के भीतर हुए 2 बड़े हादसों का जिक्र किया। रोत ने सदन में कहा कि अभी 2 दिन पहले कुशलगढ़ में 4 बेटों की हत्या के बाद पिता का स्वयं आत्महत्या करना और 1 महीने पहले सूरत में मजदूरी करने गए 15 लोगों की रात को सड़क हादसे में मौत हो गई, क्या कारण है?
हम ये सोच रहे हैं कि आदमी ने दारू पी रखी है, हम सोच रहे हैं कि डंपर चढ़ गया, लेकिन असल में वजह यह जाननी है कि क्या वजह है कि वो लोग सड़क किनारे सोए। पूरे क्षेत्र में 30-40% लोग अपनी बीवी बच्चों और पूरे परिवार के साथ गुजरात में मजदूरी के लिए जाते हैं। 15 लोगों की मौत में पूरा परिवार खत्म हो गया। इससे यही साबित होता है कि आज तक हमने गरीबों, बेरोजगारों और आदिवासियों के लिए क्या काम किया है। पाडली गुजरेश्वर निवासी एक व्यक्ति ने SDM सिमलवाड़ा को शिकायत कर अवैध रूप से दुकान निर्माण की शिकायत की। इस पर राजस्व अधिकारियों की बैठक में भाग लेने आ रहे SDM ने रास्ते में मौका देखा, शिकायत सही पाए जाने पर अवैध निर्मित दुकानों को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। जौथरी तहसीलदार को आदेश की अविलंब पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। पाडली गुजरेश्वर हाल धम्बोला निवासी तुलसीराम पुत्र मदनलाल कलाल ने SDM सिमलवाड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि पाडली गुजरेश्वर गांव में डूंगरपुर सरथूना स्टेट हाईवे नंबर 54 के मध्य से 25 फीट रोड सीमा में नरेश सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह पुत्र बलवंत सिंह आहारा की बनी अवैध रूप से बनी दुकानों को ध्वस्त करने का आग्रह किया। तुलसीराम कलाल की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र में दस्तावेज का उपखंड अधिकारी कार्यालय की ओर से अवलोकन किया। 8 फरवरी को राजस्व अधिकारियों की बैठक में भाग लेने डूंगरपुर जाने के दौरान SDM ने बीच रास्ते में गांव का मौका देखा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण के लिए चल रहे निधि समर्पण अभियान के तहत शुक्रवार को पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा ने 5,11,000 का निधि समर्पण किया। निधि प्रमुख पवन जैन ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत संग्रह टोली में जिला प्रमुख प्रकाश भट्ट, सह प्रमुख जितेंद्र जोशी, निधि प्रमुख पवन जैन, नगर प्रमुख सज्जन सिंह भाटी, ओम प्रकाश चौबीसा, नगर संचालक केशव सुथार, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या, महामंत्री धनपाल जैन ने संपर्क किया तो पूर्व राज्य मंत्री ने भव्य राम मंदिर के लिए समर्पण का चेक भेंट किया। इसके बाद टोली ने उपरना उड़ाकर पूरे परिवार का आभार माना। पुराने शहर के वार्ड संख्या 16 के लोहारवाड़ा स्थित शीतला माता मंदिर का दूसरा पाठोत्सव शनिवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मनाया जाएगा। आयोजक योगेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि धार्मिक कार्यक्रम के तहत सुबह मुख्य यजमान पार्षद सूर्यवीर सिंह राठौर की ओर से हेमाद्रि स्नान, प्रायश्चितांग और यज्ञोपवीत धारण कर गणपति पूजन होगा। आचार्य संजय पंड्या के निर्देशन में स्वास्तिक पूजन कर पुण्यवाचन होगा। इसके बाद ब्राह्मण वरण, मंडप प्रवेश कर नवचंडी हवन किया जाएगा। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। माघ मास में गुप्त रात्रि के पहले दिन भावसारवाड़ा स्थित हिंगलाज माता मंदिर में पूजन पाठ किया गया। मंदिर में समाजसेवी मनीष भावसार की ओर से मां का मनोहारी श्रृंगार किया गया, जिसके बाद मोहल्ले की महिलाओं ने पूजन कर चालीसा पाठ किया। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। वागड पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।